ओके सो गाइस आज का वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मैं आपको ऐसे कुछ तरीके बताने वाला हूँ, ऐसे कुछ अपने घर के नुस्खे बताने वाला हूँ जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा यूजफुल कह सकते हो, क्योंकि बहुत से बंदे परेशान होते हैं अपने पिंपल को लेकर, अपने चेहरे पे जो पिंपल हो जाते हैं उनको लेकर बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। तो आज का वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं आपको ऐसे कुछ तरीके बताने वाला हूँ जिसके अंदर जो आप अच्छे से यूज करके अपने पिंपल को रिमूव कर सकते हो। यानी आज का वीडियो इस टॉपिक पे होने वाला है कि हाउ टू रिमूव पिंपल, यानी अपने चेहरे पे जो फेस पे जो पिंपल हो जाते हैं जिनके कारण बहुत से बंदे परेशान होते रहते हैं, उनका दिमाग खराब होता रहता है। तो आज का वीडियो इसी टॉपिक पे होने वाला है कि अपने चेहरे पे जो पिंपल होते हैं उनको कैसे रिमूव किया जाता है और आपके सामने रिजल्ट है मेरे दोस्त। मैंने जो इन चीज़ों को ट्राई किया है उसके बाद मैं आपको बताने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। मेरे चेहरे पे कहीं पे भी आपको पिंपल दिख रहा हो तो बता दो बस। आज का वीडियो मैं इसी टॉपिक पे लेके आया हूँ क्योंकि बहुत सी डिमांड हो रही है कि जो आपके पिंपल हो रहे हैं सर क्या 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 करें, अभी हमारे जिन पिंपल ज़्यादा बढ़ रहे हैं, हमारे जो ऐसी चीज़ें बढ़ रही है तो क्या करें, इनका सॉल्यूशन क्या है, इनका इन्फेक्शन को कैसे दूर किया जाता है, इनके इन्फेक्शन को कैसे रोका जाता है। तो आज का वीडियो इसी टॉपिक पे है मेरे दोस्त। इस वीडियो को पूरा तक देखना, जो मैं आपको बताने वाला हूँ उसी ट्रिक को फॉलो करना और तीन ही नुस्खे बताने वाला हूँ। अपने घर में सब चीज़ें अवेलेबल होती हैं, उन चीज़ों को ही आप जो यूज़ करके अपना एक चेहरे के जो पिंपल को रिमूव कर सकते हो। तो सो गाइस मैं आज आपको ये चीज़ बताने वाला हूँ कि जो अपने चेहरे पर जो पिंपल आ जाते हैं उनको कैसे रिमूव किया जाता है। मैं आपको वो ट्रिकें बताने वाला हूँ, घरेलू नुस्खे बताने वाला हूँ, उनको फॉलो करना और इसके बाद में इसका रीज़न क्या है, ऑथेंटिक रीज़न क्या है जिसके कारण अपने चेहरे पे पिंपल आ जाते हैं वो भी आपको बाद में बताऊंगा। पहले जो आप इस टॉपिक बात करते हैं कि जिसको रिमूव करने का क्या तरीका है, नंबर वन सबसे पहले बात करेंगे मॉर्निंग में उठते ही आपको जो अपने चेहरे को और नाइट में सोते वक्त वो भी आप ट्राई करना, क्योंकि दोनों को मैं आपको सुबह और शाम दोनों के जो टाइम की बता रहा हूँ। तो सुबह उठते ही और शाम को सोने से पहले अपने चेहरे को अच्छे से साबुन से धोना, ठीक है, अच्छे से जो अपने चेहरे पे जो ऑयल वेस्ट होता है वो सब बाहर हो जाएगा। इसके बाद में थोड़ा गर्म पानी करना, यानी गर्म पानी भगोने में कर देना, उसके बाद में जब उससे भगोने को आप इस प्रकार देख लेना जिस प्रकार इन्होंने कर रखा है शहर में, ऐसे ही आपको ऊपर कंबल डाल के उसके जितने भी भाप अपने चेहरे पे लगेगी, जो अपने जो कहाँ पे भी पिंपल हो रहे हैं वहाँ पे लगेगी, जो अंदर का जो एक जो खराब चीज़ें हैं जो बैक्टीरिया है वो मर जाएंगे और जो आपके चेहरे पे स्किन बहुत अच्छी है जो आने लग जाएगी और ये पिंपल है रिमूव होना शुरू हो जाएंगे ये चीज़। इसके बाद में देखो एक एग्जांपल बता दूं, क्योंकि जो बहुत से जो डॉक्टर होते हैं या जो कहीं पे भी जो कोई चोट लग जाती है या कुछ भी होता है इन्फेक्शन होता है कहीं पे भी जो कुछ चीज़, या जो डॉक्टर भी पट्टी करता है तो गर्म पानी से उसको धोते हैं वही चीज़ है। तो आपके चेहरे को जरूर जो भाप के द्वारा आपको इसको करना होगा, जो आपके जितनी भी भाप लगेगी जितना अच्छा लगता है आपको कि हाँ मुझे ये चीज़ अच्छी लग रही है और यहाँ इतना ठीक है इतना गर्म ठीक है, तो उसकी भाप को अच्छे से लेना जिससे आपके जो पिंपल जहाँ पे भी हो रहे हैं वो रिमूव हो सके, ठीक है। नंबर वन मैं आपको बता दिया। दूसरा चीज़ उसके बाद में जैसे आपको ये चीज़ होता है 2 मिनट 3 मिनट या 10 मिनट आप करो तो वो आपके बैक ऊपर डिपेंड है कि आप कितना सहन कर सकते हो गर्म पानी को, ठीक है, तो उसकी भाप को लेना। नंबर दो टिप्स इसमें जो आपको क्या करना है कि गुलाब का जल, जो गुलाब का जल अलग जो अपने मेडिकल होती है मेडिकल पे जाना और गुलाब जल बोलना आपको मिल जाएगा, एक छोटी सी डिब्बी आती है उसमें से गुलाब जल को लेना और उसके रुई का लेके या जो कपड़ा लेके उसको अपने चेहरे पे लगाना, ठीक है, अपने चेहरे पे जो अच्छे से जो उनको लगाना जिससे जो जहाँ जहाँ पिंपल हो रखे हैं या जो अपने चेहरे पे लगा दोगे तो पूरा ये चीज़ हो जाएगी, जहाँ जहाँ पिंपल हो रहे हैं या जिन होने वाले हैं वहाँ पे भी ये चीज़ रिमूव हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद में आपको जो दूसरा तरीका बताने वाला हूँ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको हर बंदा यूज़ करेगा, यानी बहुत से बंदों के पास में जो गुलाब जल या जो चीज़ अवेलेबल नहीं होती है, तो अपना जो फर्स्ट चीज़ फॉलो करो भाप का पानी को अपने लो, जो भाप आती है उसको लो। दूसरी चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ उस ट्रिक को फॉलो करना, जिनके पास में जो गुलाब जल नहीं है फिर भी इस चीज़ को फॉलो करना, क्योंकि मैं जो आपको बताने वाला हूँ घरेलू नुस्खा बताने वाला हूँ तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपकी चीज़ ये घर में अवेलेबल होती है। फर्स्ट चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ गुलाब जल नहीं है आपके पास में तो पानी लेना, थोड़ा सा पानी लेके हल्दी 1 चम्मच और उसके बाद में जो मुल्तानी मिट्टी होती है, यानी अपने राजस्थान वाले हैं या जो आसपास के जो एरिया वाले हैं उनको बता दूं कि अपने जो मम्मी है या जो अपने जो सिस्टर है जो मीट लगाती है ना, मीट बोला जाता है ज़्यादातर जो मीट बोलते हैं, और बाकी जो आप मुल्तानी मिट्टी आप सर्च कर देना कि गूगल पे मैप पे कहीं पर भी ये चीज़ सर्च करोगे तो ऑनलाइन मिल जाएगी आपको, है ना, तो आप फ्लिपकार्ट पर भी सर्च करोगे तभी ये ऑनलाइन मिल रही है, मैंने देखी थी अभी जस्ट, तो ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। तो अपने मुल्तानी मिट्टी और जो थोड़ा सा पानी गुलाब जल हो या आपके पास में जो दूसरा पानी है तो भी कोई दिक्कत नहीं वो डाल देना, और हल्दी ये तीनों को एक अच्छे से पेस्ट बना के अपने चेहरे पे लगाना, जितना अच्छे से आप जो चेहरे पे लगा पाओगे ये चीज़ अच्छे से रिमूव हो पाएगी। तो इस चीज़ को मैं आपको एकदम ऑथेंटिक बता रहा हूँ, एक करेक्ट चीज़ है, इसे जो फॉलो करो क्योंकि ये चीज़ें जो गलत नहीं है और इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, मैं आपको रियल बोल रहा हूँ, क्योंकि बहुत से बंदे बोलते हैं कि जो इसका कोई साइड इफेक्ट हुआ ऐसा कुछ नहीं है, ये एकदम करेक्ट है और इसे फॉलो करके देखो, मैंने भी खुद फॉलो किया और ये चीज़ जो एकदम आपके सामने है रिजल्ट। तो बस मैं चाहता हूँ कि ये जो आप ट्राई करके देखो, 2-3 दिन ट्राई करो और आपके 4-3 दिन आपको रिजल्ट देखना शुरू हो जाएगा। गाइस अभी बात कर देते हैं इससे जो रीज़न है, यानी इनका कारण क्या है जिनके कारण ये जो पिंपल होना शुरू हो जाते हैं अपने चेहरे पे। फर्स्ट चीज़ मैं बात करने वाला हूँ चाय,
बहुत से बंदे होते हैं चाय या इस मीठी चीज़ों को ज़्यादा जो खाने लग जाते हैं, मीठी चीज़ें कुछ ज़्यादा हो जाती है तब उनके चेहरे पे जो पिंपल आना शुरू हो जाते हैं, और ऑयल फिश वाली जो चीज़ें होती है जैसे जो कुछ तेल है या पूड़ी है या ऐसी कुछ तेल वाली जो ज़्यादा चीज़ें हैं और मीठी चीज़ें उनका कम खाया करो, क्योंकि इन चीज़ों के कारण ही अपने जो चेहरे पे पिंपल होना शुरू हो जाते हैं जिनको एक कहीं निकलने का सोर्स नहीं मिल पाता है, तो ये चीज़ यहीं निकल जाती है और कहीं भी पिंपल होना शुरू हो जाते हैं, तो उनको कभी भी दबाओ मत, क्योंकि जो बहुत से बंदे मैं हमने देखे हैं और हमने कॉलेज लाइफ में भी ये चीज़ें देखी हैं कि बहुत से बंदे होते हैं जो ये पिंपल के हैं उसको जो दबा के जो अपने नाकों से फोड़ते हैं कि सही हो जाएगा, वो सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होती है, क्योंकि उससे है जो अपने जो जितना भी पोर लगेगा जिसका जो उसका एक जगह फोड़ा आपने दूसरी जगह उसका जहाँ पे भी इसका लगेगा वो निकलने वाला जो वेस्टेज पदार्थ होगा वो यहाँ लगेगा कीटाणु वहाँ लगेगा तो वो उससे ज़्यादा वो इन्फेक्शन होगा, तो प्लीज़ ऐसा करना करें। तो गाइज ये जो आपको नहीं करना है और ये मिस्टेक आपको नहीं करनी है जो मैंने अभी बताई है, ठीक है। तो सो गाइज ये जो चीज़ ये घरेलू नुस्खे आप ट्राई करके देखना, क्योंकि रिजल्ट मैं आपके सामने बता रहा हूँ कि मेरे चेहरे पर कोई भी पिंपल नहीं है अभी, आप इस चीज़ को बिलीव करें और ये चीज़ यूज़ करें, और जो आपके घरेलू उपचार बताया हूँ घरेलू नुस्खा बताया हूँ इसे फॉलो करके देखना, तीन ही स्टेप हैं तीनों को पूरा करना और तीसरे दिन आपको रिजल्ट अच्छा देखना मिल जाएगा, और ये दोनों जो आपको ट्रिकें बताई है मैंने इसे आप डेली सुबह शाम दोनों टाइम करना, जिससे जितना भी जल्दी हो सके अपने जो चेहरे पर पिंपल हो रहे हैं वो ज़्यादा जो बढ़े नहीं और उनको रिमूव किया जा सकता है, ये ट्रिक फॉलो करके देखना, तीन दिन के अंदर अच्छे से रिजल्ट मिलेगा आपको, दो तीन दिन में दिखना शुरू हो जाता है, लेकिन आपको ज़्यादा हो रहा है तो दो तीन दिन में कवर हो जाएगा। आई होप कि छोटी छोटी पसंद आता है, लाइक करना, शेयर करना, जितना उस वीडियो अपने भाइयों के साथ शेयर करना, उनके भी ये दिक्कत हो रही होगी तो उनको सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। मिलते हैं वीडियो साथ, तो वंदे मातरम।